नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का अपहृत पुत्र 3 वर्ष बाद छूटा। अफगानी और अमेरिकी सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के अपहृत पुत्र अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान में रिहा करा लिया गया है। बंदूकधारियों ने 3 साल पहले हैदर का पाकिस्तान में अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके मंगलवार को बताया कि हैदर गिलानी को सफल कार्रवाई के बाद मुक्त करा लिया गया। साल में बोतल बंद पानी के 803 नमूने घटिया निकले। सरकार ने देश भर में 2 साल में बोतल बंद पानी के 803 नमूनों को घटिया स्तर तथा बिना लाइसेंस का पाया है। इस मामले में 20 लोगों को दोषी पाया गया और कई को जुर्माना भी लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2013-14 में बोतल बंद पानी के कुल 3,007 सैंपल लिए गए, जिनमें 2,977 का परीक्षण किया गया और 577 सैंपल प्रदूषित पाए गए। 73 के खिलाफ आपराधिक तथा 96 के खिलाफ दीवानी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 2014-15 में 806 सैंपल लिए गए, इनमें 226 सैंपल दूषित पाए गए। संसद में बोले जेटली, प्रधानमंत्री की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर सरकार मुख्य विपक्षी दल के निशाने पर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जेटली ने कहा कि एक राजनीतिज्ञ द्वारा संसद के बाहर दूसरे राजनीतिज्ञ के खिलाफ दिए गए चुनावी भाषण को अब विशेषाधिकार हनन बताया जाने लगा है। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के लक्ष्मण शांताराम नाइक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और पर्रिकर ने संसद के बाहर यह झूठ बोला है कि हेलीकॉप्टर सौदे में संपर्क अध्यक्ष ने दलाली दी। उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कांग्रेस ने किया जीत का दावा। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को शक्ति परीक्षण भारी सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी 61 विधायकों ने हाथ उठाकर अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा रखे गए विश्वास मत पर अपना वोट दर्ज कराया। विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के परिणाम के बारे में हालांकि बुधवार को उच्चतम न्यायालय में ही खुलासा होगा, लेकिन वोट डालकर बाहर निकले कांग्रेस और भाजपा विधायकों के रुख से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में 33 और भाजपा के पक्ष में 28 मत पड़े हैं। लोकसभा में उठा हिंदी में कामकाज का मुद्दा। हिंदी में प्रचार प्रसार एवं कामकाज में उपयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में हिंदी के उपयोग के बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश के प्रतिकूल निर्णय देने के कारण उच्च न्यायपालिका में हिंदी के उपयोग का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि 4 राज्यों के उच्च न्यायालय में हिंदी का उपयोग होता है। लोकसभा में रंजीत रंजन, रमेश कुमार बैस समेत कई सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संविधान में उच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग का प्रावधान किया गया है, साथ ही राजभाषा अधिनियम में भी इसका प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदी और हिंदुस्तान की स्थानीय भाषाओं का न्यायालय में प्रावधान होना चाहिए। साल 1965 में कैबिनेट का एक निर्णय आया था और उसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिंदी में किस तरह से काम हो उसके बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश निर्णय दें। भारत के प्रधान न्यायाधीश का निर्णय नकारात्मक रहा। के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।